मेरा पेशेंट कहता है कि मास्टरबेशन के बाद भी कच्चे में पानी निकलता रहता है। मास्टरबेशन में क्या है, ना अराउजल है, ना फोरप्ले है, ना एंजॉयमेंट है, ना स्टिमुलस है, ना प्रोसेस पूरा हुआ, ना सारे सिक्रीशन बने, तो आप सिर्फ लेस या म्यूकस निकाल रहे हो। क्या मास्टरबेशन करने से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? सेकंड है कि आपकी आपकी डिजायर डेवलप नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि आपको पोर्न की हैबिट है। अभी ब्लैक पोर्न है, फिर मिल्फ पोर्न है, फिर यंग पोर्न है, फिर डबल एनल, ट्रिपल एनल। तो अब आपको क्या है कि आपको हर दो मिनट में नया चाहिए। तो आप एक लड़की से, एक औरत से, एक वाइफ से, एक गर्लफ्रेंड से कैसे सेटिस्फाई होंगे? आप वो तो चेंज करना ना हर बार। तो नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हो और आप सेक्स नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी सीमन बनाएगी। अब सीमन को डिस्पोज करने का बॉडी में दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब कि जो एक्स्ट्रा स्पर्म में सीमन बनता है उसको बॉडी खुद ही कंज्यूम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज मैं आया हूं दिल्ली में डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता जी के पास। आज हम सर से जानेंगे कि मास्टरबेशन की वजह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, नाइटफॉल क्यों होता है और ये कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, और साथ ही अगर आप इसे लंबे टाइम तक कर रहे हैं तो कौन कौन सी बीमारियां और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इसकी वजह से हो सकती हैं, और इसका पूरा सॉल्यूशन जानेंगे कि नेचुरली कैसे आप ठीक कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत कॉमन है मास्टरबेशन वाली प्रॉब्लम की इसकी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिथ भी मास्टरबेशन की वजह से है। कोई कहता है हेल्दी है, कोई कहता है अनहेल्दी है, और ये हेल्दी अनहेल्दी कहने वाले भी डॉक्टर्स ही हैं। तो एज ए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं, मास्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है? एक ही वर्ड है, नो। मास्टरबेशन इज अनहेल्दी, इट इज अ वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस। कहीं नहीं लिखा है, किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कि मास्टरबेशन हेल्दी है। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं मास्टरबेशन हेल्दी है, मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप एक भी मॉडर्न एलोपैथिक सिवाय साइकियाट्री टेक्स्ट बुक छोड़ के 1967-1970 से पहले तो साइकियाट्री भी मानती थी कि मास्टरबेशन अनहेल्दी है। पर 1970s में मास्टरबेशन को टेक्स्ट बुक से क्यों निकाला गया? क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ऑलमोस्ट हर आदमी कर रहा है, तो उसको अगर हम डिजीज बना के रखेंगे तो इतने लोग बीमार हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला मास्टरबेशन एक प्रैक्टिस है जो बहुत कॉमन है, इसलिए इसको आप डिजीज में से निकाल दो। पर कहीं पर ये नहीं बोला कि उसको डिजीज से निकाल दो तो उसको प्रमोट करना शुरू कर दो या उसको हेल्दी बताना शुरू कर दो। ये था कि मास्टरबेशन से साइड इफेक्ट्स है, मास्टरबेशन की प्रॉब्लम्स है, इसको नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि इतने सारा लोग कर रहे हैं बिकॉज, तो इसको डिजीज मत मानो, ये तो डॉक्टर्स के पास और कुछ देखने का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, पर उसको मेडिकल कम्युनिटी ने, और मेडिकल कम्युनिटी से ज्यादा पैरामेडिकल कम्युनिटी ने, जो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है पर अपने आपको डॉक्टर्स बताते हैं, जो ये हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है, इन लोगों ने इसको आधा समझ के मास्टरबेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो मास्टरबेशन बीमारी से नॉर्मलाइज हुई और नॉर्मलाइज से प्रमोट होनी स्टार्ट हो गई। जो प्रमोशन वाला पार्ट जो पिछले 10 साल में स्टार्ट हुआ है कि मास्टरबेशन तो हेल्दी है, ये तो एक एक्सरसाइज है, ये तो एक अच्छा खाना है, ये कोई हेल्दी फूड नहीं है मास्टरबेशन, ये मास्टरबेशन कोई एक्सरसाइज नहीं है। मास्टरबेशन अनअवॉइडेबल है क्योंकि हमारी मॉरलिटी, सोसाइटी में शादियां लेट हो रही है, आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, या जो यंग अडल्ट कंट्रोल नहीं कर पाते, तो चलो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ सेल्फ कंट्रोल से ओके नॉर्मलाइज, बट ये कोई एक्सरसाइज नहीं है कि रोज करनी है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अनहेल्दी है, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिकल फील्ड के हैं, वो ये कह रहे हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है। तो मैं आपसे इसमें आगे ये जानना चाहूंगा कि क्या मास्टरबेशन करने से, जैसे मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं 30-40%, कितना सच है? देखो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, मेडिकल जो है ना, मेडिकल एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें MBBS जो है एक बेसिकली बहुत स्टार्टिंग डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, आपको लड़का है जो IIT से इंजीनियरिंग करके आया 4 साल बाद, क्या आप उससे एक बनवा लोगे स्काई स्क्रेपर या कोई नया ब्रिज करा लोगे? नहीं, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको इन द फील्ड नॉलेज चाहिए, उसको किसी के नीचे काम करना पड़ेगा।
उसी तरह जब एक नया MBBS निकल के आता है मेडिकल कॉलेज से, तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रॉ होता है, क्योंकि उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं होता और उसकी नॉलेज बेस भी बहुत लिमिटेड होता है। इसीलिए MBBS के बाद हम फेलोशिप करते हैं, MS करते हैं, MCH करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है जिसने MBBS किया है, उसके बाद फिर उसने अपनी मास्टर्स करी, फिर पोस्ट मास्टर्स करी, फेलोशिप की, क्यों करता है वो? क्योंकि 15 साल एक्सपीरियंस गेन करता है, पेशेंट देखता है, रियल लाइफ सिनेरियो, तो उसको समझ में आता है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है और जो रियल लाइफ में हो रहा है उनके बीच में डिफरेंस हो सकता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब क्लिनिकली एक्चुअली हो क्या रहा है। आजकल के कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो या तो सिर्फ MBBS है, ये MBBS भी नहीं है, सिर्फ कोई PhD कर रखी है या कोई नॉन क्लिनिकल साइड से उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, तो वो इतने पावरफुल या इतनी उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की नहीं होती। वो सिर्फ, मेरे को लगता है, सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए, सिर्फ TRP गेन करने के लिए बुकिश नॉलेज को मसाला लगा के प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि उससे आगे जो आप नॉलेज दे रहे हो, जो लड़के देख रहे हैं वो समझ रहे कि आप डॉक्टर हो, वो समझ रहे कि आपको एक्सपीरियंस है, वो समझ रहे कि आपने एक्चुअली चीजें देखी है, और वो क्योंकि आप डॉक्टर तो उसको बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो है उनका बहुत हाई है, पर वो एक्चुअली अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है लेटेस्ट जो 21 बार मास्टरबेशन वाला जो फंडा बांटा गया है, जो स्टडी थी वो स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, वो प्रोफेशनल हेल्थ स्टडी बोलते हैं, हर MBBS को पढ़ाते हैं वो, MS पढ़ाते हैं, और हर मास्टरबेशन गैंग मेंबर, मैं कह रहा हूँ मास्टरबेशन गैंग मेंबर मतलब हर आदमी जो मास्टरबेशन को प्रमोट करना चाहता है वो इस स्टडी को ले लेता है एज अ प्रूफ, बट उस स्टडी में मास्टरबेशन हुआ नहीं था। अच्छा, उस स्टडी में ये बोला गया है कि जो मर्द 21 या ज्यादा बार सेक्स करते हैं, एजैक्युलेट, सीमन का डिस्चार्ज करते हैं सेक्स के दौरान, उन मर्दों के अंदर जो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क था वो थोड़ा सा कम मिला। अच्छा, उस स्टडी में कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि मास्टरबेशन करने से कोई फायदा हुआ, पर बड़े चलाकी से या ना समझी से आपने सेक्स को मास्टरबेशन से चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही बात हो गई कि हम बोले कि कोई बादाम है, बादाम खाने से बेनिफिट मिलता है, और आपने बादाम को बादाम जैसा कुछ दिखा दिया या बादाम के भूसे कुछ खाने से होता है, तो आपने जो उसका क्रक्स है उसको ही चेंज कर दिया। तो कहाँ लिखा है मुझे बताओ स्टडी में कि 21 बार मास्टरबेशन हेल्दी है? कहीं पर भी नहीं कहा गया कि मास्टरबेशन हेल्दी है, इन्होंने बस मास्टरबेशन और सेक्स को इंटरचेंज कर दिया, और ये अब पूरे दुनिया में मास्टरबेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे देश का यूथ है जिसको आई थिंक फोकस करना चाहिए अपने करियर पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, वो मास्टरबेशन करेगा क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर बोल रहे हैं, पर वो डॉक्टर एक्चुअली डॉक्टर है, उनको बोलने का राइट है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। पर मैं एज अ क्लिनिशियन हजारों मरीज देखता हूँ डेली, और मेरा जो हम लोग जाते हैं कॉन्फ्रेंसेज में, वहाँ बाकी डॉक्टर्स मिलते हैं, वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स मिलते हैं, तो उनका जो एक रियल पॉइंट है कि भाई मास्टरबेशन के एडिक्ट्स आ रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगता नहीं इसको इतना ओपनली ऐसे प्रमोट करना चाहिए। सर, मास्टरबेशन से क्या हेयर फॉल और आंखों की रोशनी कम होती है? मास्टरबेशन से हेयर फॉल, आंखों की रोशनी नहीं कम होती। ग्रोइंग ईयर्स में मास्टरबेशन प्रैक्टिस ज्यादा होती है, और ग्रोइंग ईयर्स के अंदर ही हेयर फॉल और आईज के चश्मे करते हैं, तो क्योंकि यंग लड़के हैं तो वो उसको आपस में कोरिलेट कर लेते हैं कि मेरे को चश्मा लग गया, मैं मास्टरबेशन करता था। मास्टरबेशन का आईज से कोई भी कनेक्शन नहीं है जी, ना कोई हेयर लॉस से कोई कनेक्शन है। ठीक है, बट जो मास्टरबेशन एडिक्ट्स है वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। जब आप मास्टरबेशन करोगे आप लेथार्जिक रहोगे, आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप करेंगे, आप सेक्सुअली उतना एक्टिव नहीं रहोगे, आप फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान नहीं लगाओगे, आपकी निंद्रा या स्लीप टाइमिंग बढ़ जाएगा, तो साथ में जो उसके फिजिकल साइड इफेक्ट्स है लाइक चेहरे से कहते हैं ना, जैसे चेहरा चमक नहीं रहा, ग्लो खत्म हो जाए, ग्लो का खत्म मतलब क्या है? डिप्रेस्ड है आदमी जो है वो उतना फ्रेश नहीं है। एक लड़का है जो खुश है, मोटिवेटेड है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट अच्छी ले रहा है, जो अपने आप को बिल्ड कर रहा है फॉर अ फ्यूचर, वो ऑब्वियसली ही लुक हेल्दियर। ठीक है, ही विल लुक स्मार्टर। ठीक है, और दूसरी तरफ आप एक क्लासिकल, आप दिन में दो बार मास्टरबेशन कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान ही सिर्फ पॉर्न में है, आपको कोई फिजिकल मोटिवेशन ड्राइव ही नहीं है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आपके चेंजेस दिखेंगे, तो डेफिनेटली गाइज हु मास्टरबेट वेरी फ्रिक्वेंटली विल लुक, उनका चेहरा, उनकी
बॉडी लैंग्वेज, उनकी प्रेजेंस थोड़ी सी लेस या थोड़ी सी डाउन साइड होगी एज कम्पेयर टू समबडी जो नहीं कर रहा है। सर लोग कहते हैं कि सेक्स और मास्टरबेशन दोनों में इजेक्शन तो हो ही रहा है, तो ये दोनों में इजेक्शन किस तरह से डिफरेंस है? क्योंकि हम सेक्स कर रहे हैं तब भी हमारा इजेक्शन होगा और मास्टरबेट कर रहे हैं तब भी इजेक्शन होगा, लेकिन ये दोनों का इजेक्शन एक दूसरे से किस तरह अलग है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मास्टरबेशन में भी इजेकुलेशन हो रहा है और सेक्स में भी इजेकुलेशन हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है? सर एग्जाम्पल मैं दूंगा कि आपने खाना खाया, पॉटी भी हो रही है और उल्टी भी हो रही है, तो दोनों में ही खाना बाहर आ रहा है। हाँ जी, दोनों में क्या फर्क है? पॉटी में एक फुल्ली डाइजेस्टेड प्रोसेस, खाना स्टार्ट हुआ, अपनी सीमा तक पहुंचा, फुल्ली डाइजेस्ट हुआ, सब न्यूट्रिएंट्स उसमें एक्वायर हुए, फर डेफिकेशन हुआ। उल्टी में एक पार्शली डाइजेस्टेड खाना जो हाफ डाइजेस्टेड है वो बाहर आया। उसी तरह सेक्स और मास्टरबेशन जो है वो दोनों अलग अलग है। सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर आइज का स्टिमुलस, स्मेल का स्टिमुलस, टच, किसिंग, फोर प्ले, रिलेशनशिप, मेंटल इम्प्रूवमेंट, और उन सबसे आप अराउज होते हो, कुछ देर तक फोर प्ले करते हो, तो क्या है जो यूरेथ्रा है, जो प्रोस्टेट है, वो सारे ग्लैंड्स अपना पूरा सिक्रीशन डालते हैं, स्पर्म पूरी तरीके आता है, और फाइनली आप एक ऑर्गेजम के साथ डिस्चार्ज करते हो, और उसके बाद पोस्ट ऑर्गेजम जो एक इन्जॉयमेंट है, एंडोर्फिन रिलीज है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वो मिलता है, क्योंकि जो नेचर है उसने ये पूरा प्रोसेस को डेवलप किया ताकि आप सृष्टि बढ़ा सको, ताकि आप बच्चे कर सको, ताकि आपने जिस फीमेल के साथ संभोग किया है वो फीमेल फर्टाइल है, वो आपके बच्चे को पैदा कर पाए। तो वो एक पूरा प्रोसेस है जो बॉडी करती है। मास्टरबेशन में क्या है, ना अराउजल है, ना फोरप्ले है, ना एंजॉयमेंट है, ना स्टिमुलस है, ना प्रोसेस पूरा हुआ, ना सारे सिक्रीशन बने, तो आप सिर्फ लेस या म्यूकस निकाल रहे हो। आपने शेक किया 10-20 सेकेंड, ना आपने म्यूकस निकाला, ना उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला, ना उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ, ना उससे आपके एंडोर्फिन रिलीज हुए, ना उससे आपको कोई एनर्जी मिली आगे। तो मोस्टली क्या, सेक्स के बाद अगर आप अच्छा सेक्स कर रहे हो तो उसके बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको लगता है कि हाँ अच्छा हुआ है, लेट अस नाउ रिलैक्स। आफ्टर मास्टरबेशन क्या, कुछ फीलिंग नहीं आती आफ्टर मास्टरबेशन, लगता है कि और फिर से कर लो। क्यों फिर से कर लोगे, पहली बार में पूरी एंजॉयमेंट नहीं मिली, ठीक है आप कहोगे फिर से कर लो, फिर से मैं कोशिश करूँ अपने आप को सेटिस्फाई करने की, वो हो ही नहीं पाता, तो आप डिप्रेशन गेन करते हो। हैप्पीनेस की वजह डिप्रेशन होता है, ठीक है, मोटिवेशन की बजाय लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, विजन क्लियर होने की बजाय विजन ब्लर हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट की बजाय आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो सिर्फ सीमन निकालना एक कोई अंत नहीं है। कई लोग कहते हैं मास्टरबेशन करने के बाद बहुत रिलैक्स मिलता है, वो नींद अच्छी आती है जी, ठीक है, मेरा माइंड क्लियर हो जाता है, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, ठीक है। वो हो सकता है कि आप कम कर रहे हो या इनिशियल फेजेस में आपका ऐसा हो रहा है, पर जहां आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई, जहां आप इसके एडिक्ट हुए, ठीक है, अल्कोहल भी लिमिटेड क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छी देता है। हाँ। जो शराबी होते हैं वो ये करते हैं कि स्टार्टिंग की थी तब अल्कोहल से बहुत मजा आता था, अल्कोहल लेते लगता था कि यार अल्कोहल लेके एकदम माइंड क्लियर हो गया, फ्रेश हो गया, पर अब तो आधी बोतल पीनी पड़ती है। हाँ। और आधी बोतल पीने के बाद भी लगता है कि और पी लूं, लिवर सड़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बॉडी खराब हो रही है। तो कोई भी एडिक्शन या कोई भी चीज स्टार्टिंग में आपको जो प्लेजर दे रही है, अगर आप उसको मिसयूज करोगे या उसको गलत करोगे तो उसको प्रोसेस पूरा नहीं करोगे, तो यू विल एंड अप इन द सेम सिचुएशन। तो एजैकुलेशन दोनों ही है, पर दोनों एजैकुलेशन से रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। एक एजैकुलेशन से आप इम्प्रूव कर रहे हो, एक एजैकुलेशन से आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है, एक एजैकुलेशन से आप मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली इम्प्रूव हो रहे हो, और एक एजैकुलेशन से आप बिल्कुल उल्टा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस है। सर जो मास्टरबेशन है, क्या मास्टरबेशन करने से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? तो मेरी एक सीरीज है जो मैंने बनाई थी मुठ छोड़ो, तो उसमें मैंने भी दो ही बनाए एपिसोड्स, अभी उसके 5 एपिसोड्स पेंडिंग है, क्योंकि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है एंड ऑफ द डे। आप डॉक्टर हो, आप कैसे बोल सकते हो? यार मैं देख रहा हूँ रोज, मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर इसी चीज का हूँ। मेरे पास रोज पेशेंट्स आ रहे हैं, रोज यंग लड़के आ रहे हैं जिनको पीएमई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेनिस साइज में इश्यूज है, पूरा लिबिडो नहीं आ रहा है, डिजायर नहीं आ रही है, इच्छा शक्ति नहीं बन रही है, तो कुछ तो हो रहा होगा ना। और सब में कॉमन क्या है, सब मास्टरबेशन एक्सेसिव, ठीक है, ना उनका बॉडी कॉमन है, ना वेट कॉमन है, ना एज कॉमन है, ना हेल्थ कॉमन है, ना कोई हैदराबाद से है, कोई बिहार से है, कोई पटना से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं। सब में एक ही कॉमन सोर्स है, मास्टरबेशन एक्सेसिव, और सब छोड़ने के बाद इम्प्रूव हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा ना आपकी बॉडी को। ये बात है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस में डेटा नहीं है,
ठीक है। तो मैंने पिछले 5-7 साल में क्या किया कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई, चाहे वो आयुर्वेदा से मिली हो, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से मिली हो, उसको मैंने कोरिलेट किया अपनी मेडिकल स्टडीज से। तो मेरे अपनी कुछ कुछ थ्योरीज दिमाग में बनी जो मैंने एक्सप्लेन की भी है। तो मास्टरबेशन से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, ईडी भी होता है, डिजायर में कमी भी होती है, आपकी अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम डेवलप होती है, आपका सीमन क्वालिटी भी खराब होती है, आपके पेनिस के साइज में इश्यूज भी आते हैं, आपको जो एक फुल अराउजल है, व्हाट इज फुल अराउजल, मतलब आप सेक्स से पहले एक जो ग्रेड 5 इरेक्शन है, मतलब बिल्कुल हार्ड फुल इरेक्शन, वो आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, क्योंकि आपको मास्टरबेशन में वेट तो करते नहीं हो, जो थोड़ा हार्ड हुआ हिलाया, तो आप ग्रेड 2-3 इरेक्शन, मतलब सेमी हार्ड इरेक्शन से डिस्चार्ज करने के हैबिटुअल हो जाते हो, और वो हैबिट है तो बॉडी को लगता है यही नॉर्मल इरेक्शन है, इतना ही करना है, इससे हार्ड तो कैपेसिटी नहीं है, हो नहीं सकता। सेकेंड है कि आपकी आपकी डिजायर डेवलप नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि आपको पॉन की हैबिट है, अभी ब्लैक पॉन है, फिर मिल्फ पॉन है, फिर यंग पॉन है, फिर डबल एनल, ट्रिपल एनल, तो अब आपको क्या है कि आपको हर 2 मिनट में नया चाहिए। तो आप एक लड़की से, एक औरत से, एक वाइफ से, एक गर्लफ्रेंड से कैसे सेटिस्फाई होंगे, आपको तो चेंज करना ना हर बार। तो आप तो चाहोगे कि आपके हाथ में जो एक बॉडी है, जो लिविंग बीइंग है, बदलती जाए, ठीक है, आप फोकस करना भूल जाते हो, योर लिबिडो डिजायर टेक्स अ हिट, टेस्टोस्टेरोन लो हो ही गया, ठीक है, एक्सरसाइज आपकी गायब हो गई, ठीक है, डिप्रेशन आपको रहता है, ठीक है, धीरे धीरे आपका जो सीमन है वो भी कुछ म्यूकस निकलना शुरू होता है, लेस, ठीक है, वो म्यूकस है, उसमें कुछ स्पर्म फॉर्म तो कुछ है नहीं, ठीक है। सो आई थिंक मास्टरबेशन के फिजिकल डिसइफेक्ट्स रियल है, इस पर और स्टडीज की जरूरत है। जब तक मेडिकल साइंस मास्टरबेशन इज हेल्दी पे अटकी रहेगी, तब तक शायद वो रिसर्च करेगी भी नहीं। तो हमने अपने सेंटर पे स्टार्ट किया है पेशेंट्स पे थोड़ी बहुत रिसर्च करना, पब्लिकेशन हम सोच रहे हैं निकालने की, एटलीस्ट हम तो स्टार्ट कर, हो सकता है कि धीरे धीरे इसके बारे में और लिटरेचर जनरेट हो। सर, सीमन की आपने बात की, किस तरह से मास्टरबेशन करके जो सीमन की क्वालिटी खराब होने लगती है, और क्या केवल क्वालिटी खराब होती है, मोर्टेलिटी भी खराब हो जाती है? नहीं, देखो, मास्टरबेशन और सेक्स में सीमन क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो मेरा एक कंजेक्चर है वो ये है कि क्योंकि आप मास्टरबेशन में फुल अराउजल पे नहीं आ रहे हो, आप मास्टरबेशन में पूरा टाइम नहीं दे रहे हो सीमन। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब आप अराउज होते हो तो जो पेनिस का टिप है से लेकर जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सेक्रीशन बनाता है और वो सारा इकट्ठा होता है। तो फॉर एग्जांपल उस पूरे मामले को तैयार होने में 5-7 मिनट 10 मिनट चाहिए, तब जाकर जो आप एजेकुलेट करते हो तो फ्री क्वांटिटी में निकलता है। क्योंकि मास्टरबेशन के पेशेंट्स में उतना टाइम ही बन नहीं पाता, वो सिर्फ 15 सेकेंड 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड का प्रोसेस रह जाता है, तो मेरे को लगता है कि वो पूरा डिस्चार्ज हो ही नहीं पाते। इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि डिस्चार्ज होने के बाद भी कई घंटों तक हमारा पानी गिरता रहता है। क्योंकि होता क्या है कि प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, डिस्चार्ज आप हो गए, तो जो पीछे जो लिक्विड बनता है, म्यूकस बनता है, वो बनता रहता है, तो दे कीप ड्रिपिंग। तो मेरे टाइम पेशेंट कहते हैं कि मास्टरबेशन के बाद भी कच्चे में पानी निकलता रहता है, पहले भी बहुत प्रीकम निकलता है। क्यों निकलता है? पेल्विक फ्लोर वीक है, ठीक है, आपकी पेल्विस से मूव नहीं करे ना, सेक्स में क्या होता है पेल्विस मूव करती है जी। तो आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ रहता है। मास्टरबेशन में आप लेटे हो, हाथ से ला रहे हो, तो उसमें क्या है कि अगर पेल्विक फ्लोर भी यूज नहीं हुआ तो आपको लिक्विड प्रीकम बहुत ज्यादा निकलता है, गीला 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 गीला, तो वो क्या रहा है कि आपका बेसिकली कंट्रोल ही नहीं है, कुछ लिक्विड पहले निकल गया, कुछ लिक्विड बाद में निकल रहा है, बीच में निकला थोड़ा सा म्यूकस। तो ये जब हम चेक करते हो तो उसमें फिर आपको स्पर्म क्वालिटी डिफेक्ट्स मिलते हैं। अच्छा, वहीं पर ही अगर एक आदमी है जिसको सेल्फ कंट्रोल है, जो प्रॉपरली 15 मिनट 20 मिनट तक अपनी कैपेसिटी रखता है, तो जो उसका जो एक डिस्चार्ज होगा उसके अंदर सारा कॉम्पोनेंट एक साथ मिलता है, तो उसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपको जो ओपेलेसेंट जो फ्रुक्टोज है या जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो बेटर मिलेगा, उसमें स्पर्म काउंट बेटर मिलेगा। तो ये मेरे को लगता है एक फर्क, एक मास्टरबेशन वर्सेस एक नेचुरल जो डिस्चार्ज है उसमें होता है। सर, सीमन की अगर बात करें तो नाइटफॉल बहुत कॉमन है, और क्या नाइटफॉल होना कोई बीमारी है या नेचुरल है? तो नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हो और आप सेक्स नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी सीमन बनाएगी। अब सीमन को डिस्पोज करने का बॉडी में 2 तरीके है। पहला तरीका है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब कि जो एक्स्ट्रा स्पर्म में सीमन बनता है उसको बॉडी खुद ही कंज्यूम करती है। एक होता है डेफिकेशन, जैसे पॉटी है या पेशाब है, जो एक्स्ट्रा सीमन बन चुका है जिसका अभी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो कहीं ना कहीं बॉडी से बाहर निकलेगा। और उसको निकलने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कॉन्शियस। कॉन्शियस तरीका है कि मास्टरबेशन कर लो या धात। जब पॉटी करते हो मॉर्निंग में तो प्रेशर पड़ता है तो वो जो सीमन इकट्ठा है वो
निकल जाता है। एक होता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस है कि जब आप सो रहे हो, नींद में हो, और नींद में आपको डीप स्लीप में हो, जब आपकी बॉडी ने टोन छोड़ दिया है, बॉडी पैरालाइज्ड है, इसको REM स्लीप बोलते हैं, और उसके अंदर आपको ड्रीम्स चल रहे हैं, तो उस समय आपकी बॉडी इनवॉलंटरी उसको इजैकुलेट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या है, सपना आया और आप इनवॉलंटरी टोन में हो, तो जो भी सीमन है वो बाहर निकल जाता है। अब होता क्या है कि यंग लड़कों में जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है और जो हमेशा सेक्सुअली चार्ज है, क्यों सेक्सुअली चार्ज है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एनिमल है, आप हर जगह सिर्फ सेक्स है, पूरे दिन आपको सिर्फ नंगी लड़की नंगी लड़की नंगी लड़की दिखेगी, तो आपको जो रात में ड्रीम भी नंगी लड़की का ही आएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपने तो होगा क्या, जैसे आप थोड़ा सा भी उत्तेजना हुई आपको डिस्चार्ज हुआ, तो नाइटफॉल इज ओके, बट वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक, और वंस अ वीक इज कंसिडर्ड ओके, टू टू थ्री टाइम्स अ मंथ ओके, बट अगर आपको नाइटफॉल डेली हो रहा है, दिन में दो बार हो रहा है, इनवॉलंटरी हो रहा है, जागते हुए भी हो रहा है, तो फिर वो एक बीमारी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कई बच्चे और कई लड़कों को फिर उस प्रॉब्लम में लगता है कि हमें वीकनेस आ रही है, पर वो नॉर्मली वीकनेस होती नहीं है, पर क्योंकि एम्बेरसमेंट ज़्यादा होती है, वो घबरा जाते हैं कि नाइटफॉल क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं कोई गलत चीज़ देख रहा हूँ, गंदी चीज़ देख रहा हूँ, गलत चीज़ की वजह से नहीं हो रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन सर्जेस है, इनवॉलंटरी रिलीज है, तो नाइटफॉल कम कर सकते हैं, तरीके हैं उसको करने के। बट क्वेश्चन आपका था कि नाइटफॉल नेचुरल है, यस नाइटफॉल नेचुरल है, नाइटफॉल हेल्दी है, हेल्दी अनहेल्दी कुछ नहीं है, बॉडी का पार्ट है, कितना है 3 से 4 बार महीने में ओके है, कब प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा हो रहा है, उससे आपको ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या उसकी वजह से आपको जलन रहती है, तब फिर वो पैथोलॉजिकल है और उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो सर क्या ट्रीटमेंट है अगर नाइटफॉल का बात करें, और मेडिकल साइंस में क्या ट्रीटमेंट है, और नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, अगर आप वो दोनों बताएं तो लोगों के लिए। देखो मेडिकल साइंस में तो नाइटफॉल का ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो कहते हैं नॉक्टर्नल एमिशंस हेल्दी है, जितना होता है होने दो। ठीक है, पर मेरे हिसाब से मेडिकल साइंस में भी रोज नई नई चीजें आती है। ठीक है, कोरोना नहीं आया, उसका इलाज भी नहीं आया, वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन के अब साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो मेडिकल साइंस कंप्लीट साइंस है नहीं, साइंस बाय डेफिनेशन विल कीप ग्रोइंग, क्योंकि नई चीजें पता चलेगी, नई ट्रीटमेंट्स आएगी। तो नॉक्टर्नल एमिशंस पे रिसेंटली लिटरेचर भी है, स्टडीज भी है, नॉक्टर्नल एमिशन इंडिया में दाद सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, और बहुत कॉमनली इसमें कई तरह के इलाज ट्राई किए गए हैं। तो आज बात करेंगे नाइटफॉल के लिए आप घर पे क्या कर सकते हो। हाँ। डॉक्टर के बाद जो सेकेंडरी है, अल्फा ब्लॉकर्स है, दवाइयाँ है, किगल एक्सरसाइजेस है, पर घर पे आप 5 चीज़ कर सकते हो। पहली चीज़ कर सकते हो घर पे नाइटफॉल रोकने के लिए, कि आप अपने आप को ओवर स्टिमुलेट करना बंद करो। जब आप कई बार क्या होता है, रात को क्या हैबिट है, रात को सो रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उसमें हमने जो लास्ट लड़की देखी या लास्ट चीज देखी वो सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी और रात को फिर सपने में आएगी, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में आ गई। अगर आप रात को इंस्टाग्राम देखने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज को फोकस करो, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक पढ़ ली, गीता का पाठ पढ़ लिया, हनुमान चालीसा कर ली, ठीक है, तो उसमें क्या है, जब आप रात को सोओगे तो चांसेस है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रिपीट होगी एज कम्पेयर टू एक सेक्सुअल चीज। तो स्टिमुलेशन, अपने आप को ओवर स्टिमुलेट हाइपर स्टिमुलेट करना बंद करो। रात सोने के लिए होती है, सोने से पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन या 10 मिनट कोई शांत काम करेंगे तो चांसेस नाइटफॉल होने के बंद है। सेकंड है कि नाइटफॉल में, नाइटफॉल तब होता है जब आपकी स्लीप सेमी डीप होती है, आप थके हुए स्लीप नहीं ले रहे हो, तो अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो रात को सोने से पहले, या मॉर्निंग में उठ के आप अगर आप फील्ड में अपनी एनर्जी निकालोगे, अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी निकालोगे, तो चांसेस है कि आपकी स्लीप बहुत डीप होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी निकल चुकी है आप, तो उसमें आपके नाइटफॉल के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज होती है कि पॉटी के रास्ते को टाइट और रिलैक्स। कीगल एक्सरसाइज करने से पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ होता है, होल्डिंग का पावर बढ़ती है, और सडन डिस्चार्ज, सडन जो अर्ली डिस्चार्ज, धार, नाइटफॉल, इसमें काफ़ी आराम मिलता है। चौथा तरीका है स्टिमुलेशन। कई लड़कों को क्या है, वो पेट के बल सोते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे वो पेनिस थोड़ा सा रब हुआ रात में तो दे डिस्चार्ज, तो समटाइम्स स्लीपिंग स्ट्रेट ऑल्सो हेल्प्स। ठीक है, और पांचवी चीज़ जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं, फिर दवाई ऐड करते हैं, वैसे तो वाइटामिन डी बहुत हेल्पफुल है इसमें, वाइटामिन डी इंजेक्शन देते हैं पेशेंट्स को, और अल्फा ब्लॉकर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, इससे नॉर्मली नाइटफॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मतलब वाइटामिन डी की कमी की वजह से भी नाइटफॉल, कमी की वजह से नहीं, वाइटामिन डी के लेवल्स पूरे रहे तो थोड़ा सा न्यूरल जो हमारे नर्व्स है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। वाइटामिन डी एक पोटेंट एनहांसर है सिस्टम का, तो वाइटामिन डी सप्लीमेंटेशन हेल्पफुल है। कभी से नाइटफॉल होता नहीं होता ऐसी कोई स्टडी है नहीं, पर वाइटामिन डी देने से फायदा होता है, ये मैंने मेरे मरीजों में देखा है। जी सर, इसमें मास्टरबेशन से जुड़ी एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत जगह डॉक्टर्स और बहुत जगह आर्टिकल्स ये लिखा है कि
मास्टरबेशन जब हम करते हैं तो उससे हमारी जो नस है पेनिस की वो डैमेज हो सकती है, क्या ये बात कितनी सच है? देखो नस कुछ नहीं होता, पेनिस में कोई नस नहीं होती है। अगर पेनिस को आप देखोगे तो पेनिस, जैसे मैं पेनिस इम्प्लांट करता हूँ, हम पेनिस की सर्जरी करते हैं तो हमारे सामने तो पेनिस पूरा खुल जाता है, हम पेनिस की सब लेयरें खोल देते हैं, पेनिस को पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो पेनिस के अंदर आर्टरी है जो ब्लड लेके जा रही है, वेन्स है जो ब्लड वापस बॉडी में लेके जा रही है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर होता है, वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं जो ब्लड को रोकते हैं। उसके अलावा जो पेनिस है वो कोई, वो समझिए एक स्पंज है जो ब्लड को सोखता है। तो अगर पेनिस के अंदर इन तीनों चीजों में, और नर्व्स होती है, नर्व्स होती है जो स्टिमुलेशन कैरी करती है, मतलब स्टिमुलस को टच कर रहा है, तो इन चारों का इंटरप्ले होता है कॉम्प्लेक्स। तो नॉर्मली आप जब सेक्स करने की सोचते हो तो माइंड सिग्नल जाता है, तो सिग्नल जाता है तो नर्व्स एक्टिवेट होती है, तो वो स्पंज को खोलती है कि ब्लड खींचो, आर्टरी खुलती है ब्लड लेके आती है, फिर पूरा पेनिस तन जाता है, तनने के बाद फिर उसकी जो वेन्स है उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं कि ब्लड आ गया वापस ले जाएगा, और वो बंद रहता है जब तक कि आप सेक्स कर रहे हो, आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, फाइनली आपका सीमा का रास्ता खुलेगा, सीमा डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद भी ऐसे नहीं होता कि डिस्चार्ज होते ही बैठ जाता है पेनिस, डिस्चार्ज पूरा होगा और गैजम होगा, धीरे 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 पेनिस से ब्लड जाएगा और डाउन आएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, मास्टरबेशन में सारे प्रोसेस खराब हो जाते हैं। आपकी स्टिमुलेशन खराब हो गई, आपको उतनी फीलिंग ही नहीं आ रही है, ठीक है। जहाँ आपको पहले लाइट टच से सेंसेशन से आनी चाहिए थी, आपको बहुत लड़ना पड़ता है, तो आपको हाथ की हैबिट हो गई है। आपका पेनिस जो वजाइना की गर्मी है, जो एक वेट वॉर्मथ है, गीली है वजाइना, वेट वॉर्मथ है वो ले नहीं सकता, तो उसको ड्राई हैंड चाहिए, कोल्ड हैंड चाहिए, वो वेट वॉर्मथ को सेंसेशन को मैनेज कर पाएगा। लाइक समझिए कि एक रोड है जिस पे गाड़ी भाग सकती है 100 किलोमीटर की स्पीड पे, उस रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो 20 पे, ठीक है, तो वो आप उसको पूरा एनर्जी, उसको पूरी जो एक सेंसेशन है आई नहीं रही है। जो पेनिस का स्पंज है वो कंप्रेस हो चुका है, वो जो है वो फूलता ही नहीं है पूरा, वो पूरा ब्लड खींचता ही नहीं है। जो आर्टरीज है उनका प्रेशर पूरा नहीं आता है, जो वेन्स है उनके वॉल्व खराब हो गए, अब पेनिस में ब्लड रुकता ही नहीं है। पेशेंट कहता है खड़ा हुआ डाउन हो गया, खड़ा हुआ डाउन हो गया, बार बार हिला के खड़ा करता है फिर डाउन हो गया, खड़ा करता डाउन हो गया, टाइप 2ED, ठीक है, पूरा जैकुलेशन नहीं हो रहा, प्री कम गिर रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया 10-15 सेकंड के अंदर, और पेनिस में डिस्चार्ज होने से पहले ढीला हो गया, ठीक है। तो आप सोचो कि एक, मतलब एक भगवान का जो एक गिफ्ट था, जो एक पीक कैपेसिटी में काम कर सकता है, उसको आपने एक मरियल साथ में बना दिया, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। फिर वो आएंगे जी बीवी खुश नहीं है, गर्लफ्रेंड खुश नहीं है। देखो बीवी खुश है, गर्लफ्रेंड खुश है, सेकेंड भी इशू है, ठीक है, वाइफ आप खुश हो के नहीं हो, आर यू हैप्पी विद दिस, ठीक है, आर यू हैप्पी विद दिस, मतलब यू नॉट एबल टू एंजॉय। आदमी का आई थिंक मनी पावर एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आदमी बिस्तर में नंगा होता है, ही इज नेकेड इन बेड, ठीक है, उस तरह कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आप वो सेल्फ गिल्ट कितना होगा जी, ठीक है, कितनी एम्बैरेसमेंट होगी, ठीक है। सो आई थिंक वो सब कुछ झेलने से बेटर है कि ये एक हैबिट है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि होता है नहीं होता, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता, ठीक है, फिर भी क्यों जरूरी है? हाँ ठीक है, नहीं होता कुछ, फिर भी क्यों जरूरी है? सिगरेट से कैंसर नहीं होता, ठीक है, होता है, कोई रिसर्च होता है कैंसर होता है, पर नहीं होता, मैं तो नहीं होता, क्यों पी रही है सिगरेट? ठीक है, मास्टरबेशन से प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी बात बड़ी रखी, आप बड़े लोग, क्यों करना है मास्टरबेशन, व्हाई? कोई रीजन ही नहीं है, बताओ रीजन, बताओ ना भाई, इससे क्या हेल्थ बेनिफिट है? ठीक है, कुछ भी नहीं है सर। मास्टरबेशन करने से बॉडी बनती है? नहीं बनती। मास्टरबेशन करने से आपको कैंसर नहीं होगा? नहीं, पता नहीं, हो सकता है, ठीक है। मास्टरबेशन करने से आपका सीमन क्वालिटी बेटर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या मास्टरबेशन करने से आपका पेनिस बड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता, ठीक है। तो मास्टरबेशन से जब कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्यों करनी है? और आप कर रहे हो, चलो फिर तो फिर एक लिमिट में कर लो, पर ये क्या बात है कि प्रमोट कर रहे हो कि करो रोज, करो रोज, करो, क्यों करना है रोज, ठीक है भाई? सर इस मास्टरबेशन को प्रमोट करने वाले लोगों से एक बात मुझे याद आई कि आजकल सेक्स टॉयज का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में भी। कोई इंसान अगर हाथ से मास्टरबेशन करे या सेक्स टॉयज से मास्टरबेशन करे, दोनों में फर्क है क्या? देखो सेक्सुअल स्टिमुलेशन, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आपकी सेक्स की इच्छा है तो मेरे को लगता है कि एक एरिया है, अगर आप सेक्स को रिक्रिएट कर सकते हो, मतलब आप कोई सेक्स टॉय है जिसकी वजह से आप पेल्विस मूव कर रहे हो या आप लुब्रिकेट कर रहे हो या आपने पेनिस को वॉक के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर सेक्स टॉयज में बहुत वाइड एरिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम
स्टिमुलेटर्स, वाइब्रेटर्स, मास्टरबेटर्स, स्लीव्स, तो सेक्स टॉयज अगर सेक्सुअल प्लेजर एनहांस करने के लिए यूज हो रहा है मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर आप और आपकी वाइफ है, आप सेक्स कर रहे हो, आप लोगों की ऑर्गेजम की डिफरेंस है, आपकी वाइफ को ऑर्गेजम लेट आ रहा है, आपका जल्दी आ रहा है और आप उसको बैलेंस करने के लिए टॉय यूज कर रहे हो, इट इज ओके। आई थिंक आप अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हो। पर मास्टरबेशन के लिए सेक्स टॉय को नहीं लगता, मतलब एंड ऑफ द डे है तो वही घूम फिर के ठीक है, आप किसी रियल चीज को आर्टिस्ट से कर रहे हो कन्वर्ट। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो कि भाई हम लोग सब लोग 3D ग्लास पहन के सिर्फ ऐसे ही करते रहे, तो वो तो हमें नौकर बनना ही है AI का, वो तो चलो बन ही जाएंगे, पर जब तक मौका है रियल लाइफ सेक्स एंजॉय करने का तब तो करना चाहिए। ये बात तो ऐसा है। हाँ। सर बहुत लोग सेक्स करने के लिए अलग अलग दवाइयां खाते हैं। एक कॉमन नाम वायग्रा बहुत फेमस है जो जनरली सब बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और इसके साथ जो अगर नेचुरल उसमें देखा जाए तो अश्वगंधा, शिलाजीत और सफेद मूसली। लेकिन सर जो लोग वाइग्रा खा रहे हैं और जो लोग शिलाजीत खा रहे हैं, क्या ये दोनों सेम ही असर करती है या फिर इन दोनों के नुकसान भी है कोई? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वाइग्रा ट्रीटमेंट है, शिलाजीत प्रिवेंटिव मेडिकेशन है। तो शिलाजीत, अश्वगंधा ये सब तब काम करती है, तब लेनी चाहिए जब आप हेल्दी हो, ये रिकवरी भी कराएगी। अच्छा, मतलब अगर किसी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है और शिलाजीत लेके सोच रहा है ठीक हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। ठीक हो सकता, क्योंकि शिलाजीत आपको प्रॉब्लम आने से पहले या प्रॉब्लम की अर्ली स्टेज में हेल्प कर जाएगी। पर जब आपको प्रॉब्लम आ चुकी है, जब आपका पैनिस खराब हो चुका है, जब आपको ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, तब आपको फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। फिर उस टाइम वायग्रा है, सिल्डेनाफिल है, टैडालाफिल है या नई ट्रीटमेंट्स है, PRP शॉकवेव्स है या इंजेक्शन है, वो सब काम करते हैं। शिलाजीत हम देते हैं, वो शिलाजीत एक सप्लीमेंट अच्छा है, शिलाजीत हेल्पफुल है, वर्क करता है। बट शिलाजीत मेरे हिसाब से, आई कुड बी रॉन्ग, एलोपैथी आयुर्वेदिक उससे लड़ना जाए, मैं सपोर्ट करता हूँ शिलाजीत को। I support it, but in preventive form or in early problems. जहाँ problems severe हो चुकी है, वहाँ जितना मैंने शिलाजीत खा लो कुछ नहीं होने वाला। एक बार आपकी ब्लड सप्लाई खराब हो चुकी है, एक बार डायबिटीज हो चुका है, चोट लग चुकी है, ट्रॉमा हो गया है, आर्टरीज वेंस कट चुकी है, खराब हो चुकी है, उसमें शिलाजीत क्या करेगा? लेकिन सर ये जो वाइग्रा है इसके नुकसान क्या है, क्योंकि लोग ले तो लेते हैं, और क्या वाइग्रा में भी अलग अलग टाइप की मेडिसिन है? वाइग्रा की डिफरेंट डिफरेंट बहने हैं, सिस्टर मेडिकेशन है, वाइग्रा, टैडालाफिल, सिल्डेनाफिल, सियालिस, हवानाफिल, वरदानाफिल, बहुत सारी है। हर किसी का अपना अलग अलग मैकेनिज्म एक्शन है, डोज है, कैसे करनी है, कब यूज़ करनी है, सब कुछ है। पर मोटा मोटा समझो, वायग्रा अगर आप नॉर्मल हो और तब वायग्रा लेना गलत है। एक आदमी है जो नॉर्मल है, वो वायग्रा खा रहा है डर के लिए या अपने आप को एनहांस करने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर वो गलत है, क्योंकि वो आपको डालेगी हैबिट, वो करेगी सप्लाई खराब, और एक पॉइंट आएगा जब वायग्रा के बिना होगा नहीं। और एक है कि एक मरीज है जो बीमार है, उसका पेनिस खराब हो चुका है, वो बिना वायग्रा उसका कुछ होना ही नहीं है, उस पेशेंट में वायग्रा या उसको प्रॉपरली बैलेंस करके यूज किया जाए अलॉन्ग विद रिकवरी मेथड्स, वो रिकवर कर जाता है। टारगेट होना चाहिए कि आप वायग्रा के डोज को या तो कम से कम कर दें या बंद कर दें, ठीक है? तो वो होता है ट्रीटमेंट। अब एक है पेशेंट जो वायग्रा जरूरत नहीं थी ले रहा है, वो खराब हो गया, वो अलग चीज है। ये जो जरूरत है वो ले रहा है, तो उधर वायग्रा सेफ है, पर फिर उसको कैसे लिया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे उसको बंद किया जाए, और उससे होने वाले जो दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आंखों में ब्लरिंग है, BP है, कार्डियक इश्यूज है, या उसके वायग्रा के इफेक्ट्स है पेनिस पे या न्यूरल इफेक्ट्स है, उन सबके ऊपर एक वो एक बड़ा सेपरेट लंबा टॉपिक हो गया। सर मास्टरबेशन और हमने इन सबकी बात तो कर ली, लेकिन अगर कोई इंसान मास्टरबेशन छोड़ दे तो क्या फिर उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, PME ये सब ठीक हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप मास्टरबेशन की हैबिट छोड़ते हो तो आपका इम्प्रूवमेंट होता है। पर इम्प्रूवमेंट क्या होता है, पहले 4 हफ्ते में तो होता है 40% इम्प्रूवमेंट, जो रैपिडली दिखता है, और उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट स्लो होता है, वो धीरे 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 इम्प्रूव करते हैं जी। तो सिर्फ मास्टरबेशन छोड़ना काफ़ी नहीं है, मास्टरबेशन के साथ में पिनाइल रिकवरी भी जरूरी है, जिसके अंदर कीगल एक्सरसाइज है, पिनाइल मसाज है, उठक बैठक है, डाइट है, रनिंग है, ठीक है? तो आपको लाइफस्टाइल को भी काफी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? जो लोग कर लेते हैं वो लोग इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। जो लोग मास्टरबेशन नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ सकते, उनके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पर मास्टरबेशन से उनको छुड़वाया जाता है। सर जो लोग घर पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक बार उनके लिए थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि मास्टरबेशन छोड़ने के बाद वो किस किस स्टेप को फॉलो करें ताकि उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या PME या उसकी सीमन क्वालिटी या फिर उसकी टाइमिंग इंप्रूव हो सके। सबसे पहले तो मास्टरबेशन छोड़ना इज अ प्योर विल पावर गेम। विल पावर बहुत जरूरी है, आपको
यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन टू लीव मास्टरबेशन, एंड सब छोड़ सकते हैं। आज अगर आप ठान लोगे चढ़ना है माउंटेन, चढ़ जाओगे माउंट एवरेस्ट में, मेहनत करनी पड़ेगी, पर सिर्फ सोच रहे थे कि माउंट एवरेस्ट तस्वीर लगा लूंगा और एक दिन माउंट एवरेस्ट ऊपर पहुंच जाऊंगा, नहीं बनेगा। पहले सेट योर गोल, देन मेक ऑब्जेक्टिव्स, स्मॉल ऑब्जेक्टिव, एक दिन में नहीं छूटेगी। गोल है छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में है कि मैं पहले उसको हफ्ते में दो बार करूंगा, फिर मैं उसको हफ्ते में एक बार करूंगा, फिर मैं उसको महीने में एक बार करूंगा, ठीक है। फिर टारगेट सेट करो कि भाई मंडे टू फ्राइडे ये कैलेंडर बना के नहीं करना, ठीक है। सेकंड होता है कि आपको कोई ना कोई ट्रिगर एक्टिविटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। जब मन करे मास्टरबेशन में क्या करना है मुझे, अगर आप मास्टरबेशन में मन कर रहा है और फोन लेके बैठे हो और कमरा बंद है तो कर लोगे, या तो कोई दोस्त पकड़ो कि भाई जब मन करे तो उसको मैसेज करो यार भाई मेरा मन कर रहा है, तो वो आपको रोके, ठीक है। या भगवान में कर सकते हैं, कई लोग जैसे कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, ये चालीसा पढ़ लूंगा जब तक कि ना चले जाए, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, चार पुशअप्स कर लेंगे, उठक बैठक कर लेंगे, आपको ना वो ट्रिगर एक्टिविटी डालनी पड़ेगी कि वो जो एक कहते हैं ना उसको एक ऑर्गेजम की फीलिंग से आती है कि नहीं करना ही करना है, उसको कंट्रोल या पोस्टपोन करने के लिए आपको ट्रिगर एक्टिविटी सेट करनी है अपनी, ताकि आप उसको रोकने में हेल्प मिले, ठीक है। तीसरा होता है कि जब आप छोड़ोगे हफ्ता दस दिन मुश्किल है, वो दस दिन के बाद आपको लगेगा फायदा कि यार फर्क दिख रहा है, पहले से खड़ा हो रहा है, मॉर्निंग रेक्शन आने शुरू हो गए, पूरा हार्ड हो रहा है, तो इतना मोटा था ही नहीं पहले, इतना मोटा दिख रहा है। तो यू फिर आता है फीडबैक, यार हफ्ता छोड़ा ये फायदा हुआ, दो हफ्ते करके देखते हैं, देन यू फिर आता है मजा कि नहीं यार मसा नहीं करूँगा मैं, ठीक है ये तो फायदा कर रही है मुझे। अब प्रॉब्लम का आती है चौथे हफ्ते में, आपको इम्प्रूवमेंट आना चाहूँगा चार हफ्ते में, चार लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो अब और नहीं आ रहा, स्लो डाउन हो गया, ठीक है चलो एक बार करके देख लेते हैं, नहीं। अब वो चार हफ्ते पे आपको अपने में कीगल एक्सरसाइज ऐड करनी है, पेनाइल मसाज ऐड करनी है, एक्सरसाइज ऐड करनी है, एल आर्जिनिन ऐड करना है, विटामिन डी ऐड करना है, तो आपको फिर और चार हफ्ते इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आठ हफ्ते के बाद मेरे हिसाब से मोस्ट पेशेंट जो है वो 90% रिकवर हो जाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद फिर ये घटी हरकत करेंगे नहीं, तो जिसने ये झेला है, ठीक है, वही रियलाइज करता है कि मैंने क्या किया, और जब उसको इम्प्रूवमेंट आता है तो उसके अंदर आप जो सपाटे है जो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार है बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, उठक बैठक है बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पुशअप्स है, पुलअप्स है, जरूरी जिम जाना है, जिम में कुछ नहीं रखा, जिम जाओ आपकी मर्जी है, पैसे हैं आपके पास जाइए, नहीं तो पार्क सबसे बेस्ट जिम है। अगर घर के पास पार्क में जाके आप 20-25 उठक बैठक, 10-15 पुलअप्स, पुशअप्स, सूर्य नमस्कार 5-10, 10-15 सपाटे, इनफ एक्सरसाइज है, इसमें कार्डियो भी है, मसल भी है, सब कुछ है इसके अंदर जी। सर मैं लास्ट के दो क्वेश्चन करना चाहूंगा बस, बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है और बहुत जगह ये पढ़ा है कि मास्टरबेशन करने से क्या हमारे लीवर और किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा पड़ता है ऐसा झूठ है, नहीं पड़ता। तो मास्टरबेशन से आपके सेक्सुअल फंक्शन खराब होते हैं, बाकी बॉडी में कोई ऑर्गन खराब होने का चांस कम है, अंटिल अनलेस टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्ट रिलेशन हो। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपका मसल मास घट जाएगा जी, आपकी बोन हेल्थ कम हो जाएगी, आपके बालों में फर्क आ सकता है, आपका स्किन कलर चेंज हो सकता है, आपके चेहरे पर डलनेस आ सकती है, आप देखने में चूतिया लग सकते हो, ठीक है, पर आपके लिवर किडनी में कुछ नहीं होगा। लिवर किडनी होगी बहुत, लिवर किडनी ब्रेन हार्ट ये बहुत सॉलिड ऑर्गन्स है, आदमी कैंसर से मर जाए तब भी ये चारों ऑर्गन काम करते रहते हैं, तो ये तो कंट्रोल चीजें करते रहेंगे, पर डेफिनेटली आपकी मास्टरबेशन से बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे स्पेशली टेस्टोस्टेरोन वाले ऑर्गन्स में फर्क पड़ेगा। सर मार्केट में बहुत से चूर्ण, बहुत से तेल और बहुत सी कैप्सूल्स मिल रही है पीनिस का साइज बढ़ाने के लिए, और ये बहुत बड़ा मार्केट है, क्या किसी भी प्रकार की दवाई से पीनिस का साइज बढ़ाना पॉसिबल है क्या? देखो ये क्वेश्चन को ना बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जी। आदमी की प्रवृत्ति है कि उसको बड़ा चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा घर, बड़ी कोठी, बड़ा ओधा, बड़ा लंडन, बड़ा पेरिस, ठीक है, पर बड़ा का डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज बड़ा? 4 इंच बड़ा है, 5 इंच बड़ा है, 6 इंच बड़ा है, 7 इंच बड़ा है? तो जब हम एज एंड्रोलॉजिस्ट बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रिनिटी की, पेनिस द परफेक्ट पेनिस। परफेक्ट पेनिस सबसे पहला होता है हार्डनेस, पूरा हार्ड हो, दूसरा टाइमिंग कि उसमें पूरी सेक्स करने की टाइमिंग की एबिलिटी हो, तीसरा साइज होता है।
अगर आपका साइज बड़ा भी है और आपके पास हार्डनेस नहीं है, टाइमिंग नहीं है, तो आप अभी उस बड़े पेनिस का फायदा नहीं है. पर अगर आपका पेनिस एवरेज से कम है, छोटा है, तो अगर आपका टाइमिंग अच्छा है और आपका हार्डनेस पूरा है, तो कई बार आप छोटे पेनिस से भी काफी कुछ वो कर सकते हो जो बड़ा पेनिस भी नहीं अचीव कर सकता. पर यह भी सच है कि एक एवरेज साइज है जो ये आजकल फिर इन्फ्लुएंसर्स का है कि नहीं साइज मैटर नहीं करता, डिस्चार्ज तो सब क्लिटोरिस से होता है. ठीक है, लेडीज का डिस्चार्ज क्लिटोरिस से होता है, मैं एग्री करता हूँ होता है, पर लेडीज की क्लिटोरिस को खड़ा करने के लिए एक पर्टिकुलर विजुअल स्टिमुलेशन भी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है. तो कहते हैं ना पेनिट्रेशन से तो कोई आता नहीं ऑर्गेज्म, पर पेनिट्रेशन तो होता है ना, पेनिट्रेशन तो करवा रही है ना वो लेडी, आपको ले रही है. ठीक है, तो उसको भी एक रिक्वायरमेंट है. तो पेनाइल साइज इंपॉर्टेंट है, पेनाइल साइज अच्छा होना चाहिए, पेनाइल साइज एवरेज होना ही चाहिए. अगर पेनाइल साइज एवरेज से कम है तो उसको बढ़ाने के तरीके हैं, पर उसमें गोलियां टैबलेट से आप हार्डनेस बढ़ा सकते हो, टैबलेट से आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो, टैबलेट से आप पेनिस को और, जैसे कहते हैं ना पेनिस थोड़ा सा हार्ड हुआ, पूरा हार्ड हुआ, थोड़ा सा गर्द उससे बढ़ता है, तो वो दवाई आप कुछ हद तक काम करती है. पर क्या पेनिस दवाई खाने से 4 से 6 हो जाएगा? नहीं होगा. दवाई खाने से टाइमिंग बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा. और कई मर्द एक्चुअली हार्डनेस और टाइमिंग को साइज से कंफ्यूज करते हैं. पेनिस उनका 5 इंच का है, पर उनको पूरा हार्ड नहीं हो रहा, पूरा टाइमिंग नहीं आ रहा, तो वो सोचते हैं कि नहीं हमारा साइज बढ़ जाए. पर जब उनको हार्डनेस मिलती है, टाइमिंग मिलती है, तो वो उसी 5 इंच से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं. तो एक तो ये इसको ये लोग मिसयूज करते हैं. दवाई में वही टडालाफिल मिलाते हैं, स्टेरॉइड मिलाते हैं, टाइमिंग दवाई मिलाते हैं, और उसको बेचते हैं साइज के नाम से, और वो एक फेक स्कैम है. दूसरा फेक स्कैम है कि ना उसमें कुछ भी नहीं है, वो प्लेन चूरन है, इसे कुछ नहीं होने वाला. पर क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी है, आप उस इनसिक्योरिटी के नाम पे उसको सेल कर पाते हो, और उसे होना कुछ नहीं है. ठीक है, पर आदमी यूज कर रहा है. तो आपका क्वेश्चन पार्शली यस है, पार्शली नो है. साइज से परेशान आदमी को दवाइयों से हम इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज टाइमिंग और इंक्रीज प्लम्पनेस दे सकते हैं, जिससे उसको सेक्स बेटर मिल सकता है. पर कोई दवाई चूरन या तेल नहीं है जिससे आपका पेनिस का साइज 1 इंच 2 इंच बढ़ जाए. ठीक है, और ये कुछ ये आंसर भी गलत है कि पेनिस का साइज नहीं बढ़ सकता. पेनिस का साइज बढ़ सकता है, पर एक एक्सपेक्टेशन में. तो आजकल PRP है, पेनाइल ट्रैक्शन है, HCG है, ग्रोथ हार्मोन्स है. ठीक है, इवन पेनाइल सर्जरीज है, गर्थ एनहांसमेंट्स है, इम्प्लांट्स है, जिससे हम पेशेंट्स को 10% से 30% तक साइज इंक्रीज दे सकते हैं, बट विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, उसको समझते हुए. तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनका साइज 2 इंच है, 2.5 इंच है, 3 इंच है. ठीक है, वो नहीं कर पा रहे सेक्स, उनकी वाइफ नहीं रह रही साथ में उनके, तो उनको अगर 1 इंच मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं. तो उन 3 इंच को 4 इंच करा जा सकता है. पर अगर आपका 5 इंच का पेनिस है और आपका साइज नॉर्मल है और आप बिल्कुल ठीक है, और आप आके बोले मुझे कि सर इसको 8 इंच कर दो, तो कोई दवाई कोई सर्जरी नहीं कर सकती. सर इसी में बस एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपने कहा ना एवरेज साइज, तो एवरेज साइज कितना है? तो एवरेज साइज डिपेंड करता है रेशियल डिस्पैरिटी पे. तो एवरेज साइज एक जेनेटिक कॉम्पोनेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो वर्ल्ड का एवरेज साइज, तो ऐसा कोई एवरेज होता ही नहीं है. कोकेशियन या व्हाइट्स, अफ्रीकन्स, अफ्रीकन्स के अंदर भी सब सहारन अफ्रीकन्स, इंडियंस, चाइनीज, कोरियंस, इंडिया के अंदर भी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, इन सबका अलग अलग एवरेज साइज है. पर मोटा मोटा जो स्टडीज कहती है, अगर आपका जो लेंथ है वो 3.5 से 4.5 इंच है और आपकी गर्थ है जो 1.5 से 2.5 इंच है, तो वो नॉर्मल है. ठीक है, तो हम मैं जो अपनी प्रैक्टिस में 3.5 से 4 इंच का पेनिस अगर देखता हूँ, तो वो पेनिस संभोग के लिए, वाइफ को एंजॉय कराने के लिए, डिस्चार्ज के लिए और बच्चे करने के लिए काफी है. पर फिर इसके अंदर अगेन मल्टीपल रीजंस है. एक पेशेंट है, उसका पेनिस 5 इंच का है और उसकी तोंद 3 इंच की है, तो उसका एक्चुअल पेनिस 2 इंच का है. तो उसको साइज बढ़वाने की बजाय अपना पेट कम करना चाहिए. ठीक है, एक पेशेंट का साइज 3 इंच का है पर वो बिल्कुल थिन है. ठीक है, मस्कुलर है, उसका पेनिस एकदम रॉक हार्ड है, 3 इंच भी काफी है. तो आपको पेनिस को एक टोटलिटी में देखना पड़ेगा. ठीक है, यू कैन नॉट सी द पेनिस इन आइसोलेशन. ठीक है, आप ऐसे खड़ा कर दो 3 लोगों की साइज, क्या वो पेनिस साइज के साथ फंक्शनली भी ठीक है नहीं है, वो भी देखना है. ठीक है, और इसीलिए मैं अपने इस इंटरव्यू को इस बात पर एंड करूंगा कि इन्फ्लुएंसर बनो, पर आप समझो इन्फ्लुएंसर मतलब कि आप किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. तो इन्फ्लुएंस करने से पहले उस चीज की पूरी नॉलेज लो. नॉलेज गूगल पे नहीं मिलती, नॉलेज रियल लाइफ में क्लिनिक में मिलती है जब आप मरीजों को देखते हो.
आज अगर मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने 15 साल सरकारी हॉस्पिटल्स में काम किया है, MBBS की, MS करी, MCH करी, फेलोशिप करी, मैंने दुनिया भर में मरीजों को देखा है, और उसके बाद 8-9 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सोचो 22 साल के एक्सपीरियंस, 22 साल की एजुकेशन, 22 साल की स्टडीज और इंटरप्रिटेशन के बाद अगर आप कुछ बात बोलते हो तो उसके अंदर वेट है। हो सकता है कि हमारे फॉलोअर्स कम है या हमारी बातें बोरिंग है, इस कारण चलती ना हो, पर मेरे को लगता है मसाले के लिए आप बिट्स को प्रमोट मत करो, डोंट प्रमोट बिट्स, बिकॉज आपकी बात को कोई लड़का सुन रहा है और हो सकता है कि आपकी बात को सुन के वो ऐसा रास्ता अपना ले जो उसको फिर बाद में दिक्कत करे, बाद में दिक्कत करे। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मास्टरबेशन और नाइट फॉल जैसी प्रॉब्लम के बारे में हमें डिटेल में समझाया, ताकि इस वीडियो को जो भी देखेंगे उसके बाद वो इस सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर भी होंगे और शायद कोई गलत स्टेप भी नहीं लेंगे, और साथ ही उनके पेरेंट्स भी अवेयर होंगे और समझेंगे कि कितना जरूरी है उनके साथ साथ उनके बच्चों के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप अपनी लाइफ में से इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इलनेस से वेलनेस की तरफ ले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह की कोई पेड वीडियो नहीं है। हमारा जो मोटिव है वो आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो सके। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप सर से कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तब भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सर से ही कांटेक्ट करें, आप जिससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से जुड़े तो नीचे कमेंट सेक्शन में और आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक हेल्थ की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।